हु कंडक्ट द यूजीसी नेट और जेआरएफ? सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ये कंडक्ट कौन करवाता होगा, कौन इसके पीछे, कौन इसे बनाएगा। तो इसके बारे में आपको बता दूं, टिल जून 2018 तक द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं CBSE, कंडक्ट द NET, यानी कि नेट, इज 84 सब्जेक्ट्स एट 91 सेलेक्टेड सिटीज ऑफ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। 2018 जून तक CBSE से कंडक्ट करती थी नेट के नाम से, और ये लगभग 84 सब्जेक्ट का था, यानी 84 सब्जेक्ट्स तक आप इसमें भर सकते थे, और 91 सिटीज में, 91 सिटीज में ये अप्लाई होता था। सिंस दिसंबर 2018 ऑनवर्ड, और दिसंबर 2018 के बाद में क्या हुआ, द यूसी नेट इज बीइंग कंडक्ट बाई NTA, तो NTA ने इसे कंडक्ट किया। एज पर प्रेस रिलीज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, द एग्जाम वुड बी कंडक्टेड ट्वाइस एयर, यानी कि इसमें एक साल में दो बार एग्जाम ये लिया जाता है। पहला एग्जाम लिया जाएगा आपका जून मंथ में, और दूसरा लिया जाएगा ये दिसंबर मंथ में, यानी कि आपको मौका मिलता है साल में दो बार कि आप इसे क्लियर कर सकें। एंड इट विल बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड, और आप इसे ऑनलाइन मोड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड की जगह, यानी कि अब आपको एक PC दे देंगे, लैपटॉप, उसमें ऑनलाइन चलता रहेगा सब कुछ, और दो पेपर होंगे, आपको उसमें सही जवाब टिक करने हैं, और आपको कुछ टाइम के बाद आपको इसका आंसर पता लग जाएगा कि आपने क्या स्कोर किया, यानी इसका रिजल्ट आप ऑफलाइन के मुकाबले बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। बस जो सिलेबस है बहुत वाइड होता है, यानी कि आपने स्टार्टिंग से लेकर अपनी मास्टर डिग्री तक जो कुछ पढ़ा है वो सब इसमें आता है, प्लस जनरल अवेयरनेस तो आती ही है।